वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फ्लिपकार्ट के आ चुके हैं बिग बिलियन डे सेल एंड अमेज़न की भी लग चुकी है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसके अंदर साइकिल्स के ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ भाई कार्ड डिस्काउंट लगा के एडिशनल 10-15% का डिस्काउंट मिलता है, एंड अगर GST बेनिफिट आप क्लेम करना चाहें तो उससे भाई एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी। हो सकता है टाइटल में मैंने 5,000 rupees ऐसा कुछ लिखा होगा, बट इस वाली वीडियो में मैं 20,000 rupees तक की बेस्ट डील्स को कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो कहीं भी पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज गाइस कुछ भी लेना हो ना मेरे अमेज़न के एफिलिएट लिंक से जरूर परचेज कर लेना, उससे मेरे चैनल की काफी ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले भाई हम सस्ते से महंगे पे जाएंगे। 5,000 rupees की जो साइकिल्स है ना वो इस सेल में भाई 4,000 rupees की मिल रही है। सबसे पहली साइकिल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना लीडर स्काउट रहेगी। अब बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन आपको हर्कुलस एंड अर्बन टेरेन की साइकिल्स में भी देखने को मिलेगी। आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हो, कोई डिफरेंस ही नहीं है स्पेसिफिकेशन का। ये साइकिल अभी एक लाइटनिंग डील में मिल रही है 4,000 rupees की। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड हो तो 10% और ज्यादा कम हो जाएगा, एंड GST बेनिफिट को अगर आप क्लेम करना चाहें वो भी कर सकते हो, तो ये साइकिल भाई 3,000 के अप्रॉक्स कुछ पड़ेगी। उस हिसाब से ये काफी अच्छी डील है। अगर इससे भी और सस्ते वेरिएंट आपको लेना है ना तो लाइफ लॉन्ग की आप ये वाली साइकिल ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, 26 इंच के व्हील्स हैं, फ्रंट एंड रियर साइड में वी ब्रेक्स लगे हैं, स्टील फ्रेम आपको इन साइकिल्स के अंदर देखने मिलेगा, सिंगल स्पीड साइकिल्स रहेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम साइकिल खरीदना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप साइकिलिंग करोगे भी या फिर नहीं करोगे, तो ये अच्छे और एक सस्ते ऑप्शन है जिसको आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस राइडिंग के लिए बहुत सही रहेंगे, बट अगर आपको एक ऐसी साइकिल लेनी है जिसके ब्रेक्स बहुत बढ़िया होना और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग में भी आप चला सको, बट प्राइसिंग उस साइकिल की कम से कम होना, तो आप प्रेफर कर सकते हो भाई लीडर टॉर्फिन। ये साइकिल फिलहाल भी मिल रही है 5,300 rupees की, जिसके ऊपर आपको एडिशनल 500 rupees कम हो जाएंगे 10% के डिस्काउंट से। ये साइकिल मेरे पास भी है एंड ब्रेक्स बहुत बढ़िया है, इस साइकिल को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट एक चीज आपको फोकस करनी है कि इसमें भाई 26 इंच के व्हील्स है एंड 18 इंच के इसका फ्रेम साइज है, एंड फ्रेम का मटेरियल भी भाई स्टील बिल्ट है। शॉर्ट डिस्टेंस राइडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग भाई थोड़े और पैसे आपको डालने पड़ेंगे। सिमिलर साइकिल है भाई वेक्टर 91 की तरफ से रैगून 2060, इस साइकिल को भी आप कंसीडर कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है इस साइकिल की। एंड एक और चीज भाई, अगर आपने देखी हो ना फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न के ऊपर ही आपको इंस्टॉलेशन एंड डेमो की सर्विसेज मिलती है, जिसके लिए आपको 500 rupees कटने पड़ते हैं। गाइस अगर आप चाहो आप इसको ले सकते हो, बट मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। सिंपली साइकिल को घर आ दो, उसके बाद साइकिल को खुद जोड़ लेना, एंड अगर आपसे ब्रेक की एडजस्टमेंट ये सब ना हो पाए ना, उस साइकिल को भाई चला के ले जाओ एक साइकिल शॉप में, मैक्सिमम 50-100 rupees आपके लगेंगे, एंड साइकिल वो बढ़िया तरीके से जोड़ देगा, एंड साइकिल के ऊपर वैसे भी भाई मेंटेनेंस का कोई खर्चा ही नहीं होता है, तो उस हिसाब से भाई आपको बहुत सस्ती डील मिलेगी। इंस्टॉलेशन एंड डेमो की सर्विसेज होती है ना ऑनलाइन फ्री में, और ये तब सही है, बट एक्स्ट्रा इनके लिए पैसे देना सेंस नहीं बनाएगा। घर के आसपास की साइकिल शॉप से आप ये करवा सकते हो। नेक्स्ट बात आती है भाई 10,000 rupees के अंदर, अगर आपको एक गियर्ड साइकिल लेनी है तो उस केस में आपको कौन सी साइकिल को खरीदना चाहिए। गाइस सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ भाई 10,000 rupees के अंदर सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का नहीं मिल सकता है। उस केस में भाई थोड़ा सा आपको ये सोच के चलना है कि इस प्राइसिंग में इतना सब कुछ नहीं मिल पाएगा, तो क्वालिटी थोड़ी सी कम आपको अच्छी देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो मैं साइकिल आपको रिकमेंड करूंगा ना ये अर्बन टेरेन की रहेगी, जो कि है अर्बन टेरेन की म्यूटेंट। ये साइकिल 11,500 rupees की आ रही है 10% और इसको डिस्काउंट अगर आप लेके चलोगे 1,100 rupees और रिड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर आपको 29 इंच के व्हील्स देखने मिलेंगे, एक स्टील फ्रेम आता है, 21 स्पीड के शिमानो के गियर्स है, एंड फ्रंट एंड रियर साइड में आपको इसमें मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स देखने मिलेंगे, एंड उसके अंदर इंस्टॉलेशन एंड डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल सेम साइकिल है वेक्टर 91 की ज़ेनॉन, इसमें भी बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन आते हैं, एंड प्राइस इसका 1,000 rupees और ज्यादा कम होगा, ये आपको 9,000 के अप्रोक्स पड़ेगी। हरकुलिस की टॉप गियर S27 इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट इन तीनों ही साइकिल की स्पेसिफिकेशन से अगर आपको बेटर साइकिल लेनी है कम प्राइस के अंदर ना, तो आपको कंसिडर करनी चाहिए लाइफ लॉन्ग की कॉन्करर। ये साइकिल करेंटली आ रही है 9,300 rupees की, 10% का और डिस्काउंट अगर आपको मिला तो 8,000 कुछ की पड़ेगी। इस साइकिल के अंदर 27.5 inches के व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, बाकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। जो बेटर चीज है ना इसकी वो है इसकी ड्राइव ट्रेन, इसके अंदर जो गियर्स लगे हुए हैं वो शिमानो की टर्नी लाइनअप के TY500, फ्रंट एंड रियर साइड दोनों। आप क्रैडिक ब्रांड की इस साइकिल को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि है एक्सप्लोरर, ये भी बिल्कुल सेम प्राइसिंग में आ रही है एंड स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है। फ्रेम का मटेरियल भी इस साइकिल में स्टील बिल्ट है। अब अगर आपको अलॉय बिल्ट वाली साइकिल लेनी है तब तो गाइस आपको 15,000 rupees स्पेंड करनी चाहिए, एंड अगर आपको भाई 10-20 kilometers की राइड करनी है ना इन साइकिल से भाई बहुत आराम से कर लो। बट अगर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन चाहिए, साइकिल लाइट वेट चाहिए एंड पैसे आप 3-4,000 rupees और स्पेंड करने को तैयार होना, तब तो गाइस आपको 15,000 rupees इस सेगमेंट की साइकिल्स देखनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रैडिक अल्फा इस साइकिल को लेने का। मेन रीजन ये कि ये एक अलॉय फ्रेम को लेके आती है एंड इसमें भाई 21 स्पीड की ड्राइव ट्रेन लगी है, जिसमें आपको रियर साइड में शिमानो असेरा मिलता है, एंड जो फ्रंट डिरेलर है वो शिमानो ऑल्टस का मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो इसमें क्रैंकसेट लगा है ना गाइस, वो आपको प्रो व्हील ब्रांड का देखने को मिलेगा, एंड वो एक लोकल क्रैंकसेट नहीं है जो कि इस प्राइसिंग की ज्यादातर साइकिल्स में होता है, ये एक अलॉय बिल्ट क्रैंकसेट है, एंड इसके अंदर आपको 29 इंचेस के व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर साइड में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स लगे, 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो प्राइसिंग को देखते हुए ये एक अच्छी डील
हो सकती है, बट क्राडिक ब्रांड की तरफ से अल्फा प्रो नाम की साइकिल आती है जिसमें आपको जूम ब्रांड का सस्पेंशन फोर्क देखने को मिलेगा। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन दोनों ही साइकिल्स के बीच में सेम है, 21 स्पीड की, उसमें भी ड्राइव ट्रेन लगी हुई है, शिमानो असेरा एंड ऑल्टास की गियर्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको एक 24 स्पीड की ड्राइव ट्रेन वाली साइकिल लेनी है ना, तो क्राडिक ब्रांड की XC 900 साइकिल को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसका मैंने एक फुल रिव्यू भी अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है। इस साइकिल को लेने का मेन बेनिफिट यही है कि सबसे पहले इसमें फ्रंट एंड रियर साइड में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, अलॉय फ्रेम है, एक जूम ब्रांड का सस्पेंशन फोर्क है जो कि लॉकआउट फोर्क है, शिमानो असेरा की ड्राइव ट्रेन लगी है एंड 24 स्पीड की ड्राइव ट्रेन है, टू व्हील का इसमें क्रैंक सेट देखने को मिलेगा एंड रियर साइड में शिमानो का कैप सेट आता है। तो इस वजह से इस साइकिल को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि भाई प्राइसिंग में इस साइकिल में कोई ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, जबकि ये साइकिल कुछ टाइम पहले 19,000 रुपए की मिल रही थी, अभी 20,500 की मिल रही है, तो प्राइसिंग तो भाई बड़ी है एंड सेल के नाम पे प्राइस इसका रिड्यूस नहीं हुआ है। बट गाइस आपको इसके साथ कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा जो कि आपके प्राइस को रिड्यूस कर देगा। इस वजह से 20,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर अंदर ये साइकिल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसी डील ग्रैब करी हो जो कि काफी अच्छे प्राइस में मिल गई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई ऐसी साइकिल है जिसके बारे में आप कंफ्यूज है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा भाई आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूं ताकि सेल का बेनिफिट आपको मिल पाए। एंड बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो जरूर से लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन सी भी साइकिल या फिर साइकिल की एक्सेसरी या फिर कोई और सामान अगर आपको परचेज करना हो ना, प्लीज मेरा दिया गया अमेज़न का लिंक यूज कर लेना, उससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that.